इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिंगोए गिफ्ट कार्ड एंड कैशबैक ऐप के बारे में। यह ऐप कैसे यूज़ करना है, प्लस इस ऐप में कार्ड को बाय कैसे करना है, प्लस सेल कैसे करना है। इटी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ उस ऐप के बारे में। तो ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते अपनी वीडियो को। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नवे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों आप देखोगे प्ले स्टोर की न्यू एप्लीकेशन है जिसका नाम है जिंगोए गिफ्ट कार्ड एंड कैशबैक। जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे डाउट कर रहे हो कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, प्लस इस ऐप से अर्निंग कैसे करनी है, और यहाँ पे कईयों के डाउट ये भी आ रहे हैं कि इस ऐप में कार्ड को बाय प्लस यहाँ पे परचेज कैसे करना है। ये सभी आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस ऐप ने अपनी रेटिंग को दे रखा है 4.0 की इसकी रेटिंग है, और यहाँ पे इसको 500,000 से ज़्यादा लोगों डाउन करके रखा हुआ है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस ऐप में आईडी कैसे लॉगिन करनी है। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने इस ऐप को कर लिया है डाउनलोड। अब हम करते हैं इसको ओपन। तो फर्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आपको इस ऐप में साइन अप करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आपको एलो की परमिशन देनी है इस ऐप को। तो यहाँ पे आपको करना है एलो और यहाँ पे स्किप। अब दोस्तों स्किप करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों अगर आपने पहले भी इस ऐप को यूज़ किया है और यहाँ पे आपने इस ऐप में आईडी क्रिएट किया है, तो आप यहाँ पे सिंपली साइन अप पर क्लिक करोगे, आपका फिर से वही अकाउंट इस ऐप में रिकवर हो जाएगा और आप फिर से इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों आप मेरी तरह यहाँ पे पहली बार इस ऐप को यूज़ करना चाहते हो और यहाँ पे अपने आईडी क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मोबाइल नंबर प्लस ईमेल और यहाँ पे पासवर्ड। जैसे ही दोस्तों आप अपनी जीमेल का पासवर्ड प्लस यहाँ पे जीमेल फिल कर दोगे, आपका यहाँ पे इस ऐप में अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं मैंने भी आपके सामने इस ऐप में अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया है। तो फर्स्ट पॉइंट अब यहाँ पे सब लोग डाउट क्या करते हैं कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, प्लस इस ऐप से क्या बेनिफिट। तो दोस्तों मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा यहाँ पे इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, प्लस इस ऐप के क्या बेनिफिट हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ इस ऐप में दो बेनिफिट मिलते हैं यहाँ पे। आप इनके कार्ड यहाँ पे बाय कर सकते हो यानी कि खरीद सकते हो, और यहाँ पे सेल यानी कि बेच सकते हो। तो अब यहाँ पे सबके डाउट क्या आ रहे थे कि हमें इस ऐप में ना कोई सेल का ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे बाय करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली आपको प्लस वाला आइकन देखने को मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बाय गिफ्ट कार्ड और यहाँ पे सेल गिफ्ट कार्ड। अब यहाँ पे दोस्तों बाय यानी कि कोई भी कार्ड आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों कैसे खरीदना है तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एनीथिंग यहाँ पे कार्ड दे रखे हैं, अमेजोन है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, जो जो दोस्तों आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको कैशबैक यहाँ पे ज़्यादा परसेंट, जिसमें दोस्तों आपको लगे कि कैशबैक ज़्यादा परसेंट है और यहाँ पे गिफ्ट भी उसमें ज़्यादा है, तो आपको दोस्तों वही कार्ड खरीदना चाहिए जो कि दोस्तों आपको बेनिफिट दे सकता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस ऐप में बहुत सारे कार्ड दे रखे हैं, आपको कोई भी कार्ड को जिसमें ज़्यादा बेनिफिट लगे आप उनको खरीद सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे। अब यहाँ पे दोस्तों फ्लिपकार्ट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे जो सा आप भी कोई कार्ड को सिलेक्ट करोगे तो आपको भी इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको देखना है गिफ्ट कार्ड वैल्यू यहाँ पे 500 रुपये है और यहाँ पे प्राइस भी 500 है, और इसकी ये वैलिडिटी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक है, यानी कि दोस्तों 1 साल तक का यहाँ पे है इसकी वैलिडिटी। बाकी दोस्तों अब यहाँ पे फिल्टर लगा के यहाँ पे इनका प्राइस ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जितना दोस्तों आपको इस कार्ड को बाय करना यानी कि खरीदना है, जितना भी दोस्तों आपको बेनिफिट लग रहा हो तो आप यहाँ पे यही कार्ड बाय कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपको बैक आना है। अब यहाँ पे सब लोग क्या डाउट करते हैं कि हमने कार्ड तो बाय कर लिया है, अब उसको सेल कैसे करें यानी कि बेचना कैसे है ताकि हमें बेनिफिट हो सके जितना हमने अपने कार्ड को खरीदने में पैसा लगाया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों फिर से आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे फिर से आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे गेट लिंक है और यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना कार्ड बेचना है तो यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों सेल पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सब लोग क्या डाउट करते हैं कि हमें कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है जिसमें हम अपना कार्ड बेच सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे एरो का ऑप्शन दे रखा है साइड में, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों जौन सा आपका कार्ड था, जौन सा आपने परचेस किया था कार्ड को, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब मान लो दोस्तों मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ KFC को, दोस्तों आपको भी इसी तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा।
तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने KFC कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि दोस्तों मैंने अपने कार्ड को बेचना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करते हैं सब लोग, कईयों को यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर नहीं आता है। दोस्तों मैंने इस ऐप को पहले भी यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने पहले से ही अपने मोबाइल नंबर को कन्फर्म कर रखा है। अगर दोस्तों आपको इससे पहले एक नोटिफिकेशन आता है, डैशबोर्ड आता है, जिसमें बोलता है कि पहले आप अपना मोबाइल नंबर कन्फर्म कर लो। आशा करता हूं दोस्तों मेरी वीडियो समझ गए होगे, वीडियो यूजफुल लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब भी आपका कोई डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं वीडियो के साथ।